है करनाल की, जहां करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने संसदीय क्षेत्र का समग्र विकास करना उनका लक्ष्य है और इसके लिए वे जनता की सेवा में अधिक से अधिक समय व्यतीत करते रहेंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने तीन मुख्य विषयों पर फोकस किया था जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार है और वे इन पर गहरी रुचि लेकर काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा हरियालीकरण, पॉलीथीन उन्मूलन, जल बचाओ तथा स्वच्छता के कार्यक्रम भी जारी रहेंगे जिनके लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाएंगे। सांसद आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि स्वास्थ्य रहना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसे स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया हों। प्रदेश व केंद्र सरकार हालांकि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों व स्लम एरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे लोगों के लिए वे मोबाइल अस्पताल की सेवाएं शुरू करने पर जोर शोर से विचार भी कर रहे हैं। इस सेवा के लिए एक मोबाइल वैन, उसमें सभी आवश्यक दवाइयां व उपकरण तथा एक डॉक्टर होगा जिसे प्राइवेट कंपनियों के CSR फंड से पैसे दे सकते हैं। रोजगार विषय को लेकर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी या DC रेट पर जॉब हासिल करने के पीछे दौड़ते हैं, जबकि वे अपनी कार्य क्षमता व योग्यता के आधार पर प्राइवेट नौकरियों में इससे भी अच्छी पगार पा सकते हैं। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि बच्चों के खेलकूद के लिए ग्राउंड, शौचालय की सुविधा तथा उनके माफिक पढ़ाई का वातावरण हो ताकि गरीब घर का बच्चा भी प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में जाकर अच्छी तालीम हासिल कर सके। सांसद ने पत्रकारों को बताया कि हरियालीकरण, स्वच्छता, जल बचाव और पॉलीथीन उन्मूलन जैसे विषय हैं जो जनता की भागीदारी से ही अपने मकसद को प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए वे जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का भी काम करेंगे। ये विषय अति महत्वपूर्ण है और आज के समय की जरूरत बन चुके हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि लोगों की समस्याएं समझकर उनका निदान करना जारी रखेंगे। जनता के लिए वे 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। विकास कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ करवाए जाएंगे। वे स्वयं ही ईमानदारी रखेंगे और दूसरों को भी इसी तरह काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, मेयर रेणुबाला गुप्ता, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, भाजपा के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद उपस्थित रहे। मैं उसको कैसे बोलूंगी तो अपना रेवेन्यू ला के। जनता से जुड़ा प्रश्न है मेरा। आपने कहा कि जनता के काम के लिए जनता को साथ जोड़ा जाएगा, उसकी क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आज मीटिंग में भी दिया, मैं म्यूनिसिपल काउंसिल पानीपत का चेयरमैन रहा। मेरे समय में ये पार्क जो डेवलप हुए ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से हुए। हमने जो पार्क, उस वक्त खाली बाउंड्री भी नहीं होती थी उस वक्त पार्क की, तो हमने वो बाउंड्री वाल उसकी कराई। उसमें जो सीट्स लगानी थी या पाथ बनाना था, जो सिविल का काम था, वो म्यूनिसिपल काउंसिल ने कर दिया। लेकिन पेड़ पौधे लगे, माली उसके अंदर काम करे, वो मेंटेनेंस का काम जो हमारी लोकेलिटी होती जो पार्क के चारों तरफ की, वो 100-100 रुपए हर घर से इकट्ठा करके उस माली को दे दी। आज भी इतने सालों के बाद बिना उसके रनिंग एक्सपेंसेस कह लो या मेंटेनेंस चार्जेस के, आज भी सारे पार्क हरे भरे हैं और बहुत अच्छे फूल लगे हैं। ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन। 2-4-5-10 लाख पार्क में लगना था, वो म्यूनिसिपल काउंसिल ने लगा दिया, वो हमने लगा दिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो हैंडओवर हमने कर दी वहां की लोकेलिटी को, इसको बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन। इस तरह से हर काम के अंदर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे ताकि वो मेंटेनेंस फ्री हो। सरकार क्योंकि बार बार नहीं पूरा ध्यान दे पाते, स्वच्छ जो कर्मचारी हैं वो मेंटेनेंस हम लोगों के हाथ में रखेंगे। दूसरी बात भाई साहब, अभी उन्होंने अपना ऑफर किया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपके मीडिया के ऊपर ही वो न्यूज थी। मेरी जानकारी में उन्होंने अभी कोई रिजाइन नहीं है, ना उनका रिजाइन नहीं हुआ। अभी वो हमारे अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष बने रहेंगे। आगे पार्टी उनको जिम्मेवारी रिपीट करती है तो भी बने रहेंगे, और किसी को करती है वो भी बने रहेंगे। उसके लिए कोई लंबा चौड़ा ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इसके ऊपर इसकी बात करें। टोल की बात करें, टोल के जो चार्जेज है वो ज्यादा है, लोग चार्जेज ज्यादा है, वो क्यों है? पत्रकारों के लिए फर्क, ये चार्जेज कितने कौन से 170-200 के करीब जो है ना अप डाउन। ये कब एग्रीमेंट कब हुआ था? ये शुरू से ही, शुरू से कब बना था, कौन से सन में बना था ये टोल? ये बीजेपी के राज्य में बना था जी, जब स्वामी जी थे, आईडी स्वामी जी ने ही क्रिएट किया था ये डिपार्टमेंट। ये देखो, इनकी जानकारी आपकी अधूरी है, उन्होंने करेक्ट कर दिया। दूसरी बात, जब जिस कंपनी ने वो टोल या रोड मेंटेनेंस का टोल होगा, मेरे ख्याल तो ये वही है, और उसके नॉर्म्स होंगी, इतने टाइम के बाद हम ये बढ़ाएंगे करेंगे, उसको आप स्टडी कर लेंगे। हाँ जी, मूर्थल में जो लगा टोल, अभी अनकम्प्लीट है, फिर भी वो टोल ले रहा है।
टोटल ये अपने करनाल लोकसभा में पड़ता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।